अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरा सेमेस्टर ब्रेक हो गया ख़त्म और यूनि हो गई दोबारा से स्टार्ट, और फिर से जो है वही ख्वारी और वही कुछ स्टार्ट है कि पता नहीं यार इस बार पॉइंट में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छा, तो अपडेट ये है कि मुझे पॉइंट में सीट मिल गई, क्योंकि आज दूसरा ही दिन है और कोई जा नहीं रहा है ज़्यादा लोग, मैं पागल हूँ। खैर, यूनिवर्सिटी पहुंच गई हूँ, पॉइंट में तो ऐसी ही जब मैं सो गई थी, और मैं अब सो के उठी, जब मैं पहुंची अब मैं वेट कर रही हूँ कि मेरी फ्रेंड आ जाए ताकि मुझे हौसला हो। अब हम क्लास में आके बैठ गए और ये रही कुलचाक। और जो है पता है क्या, इस क्लास में इतनी गर्मी हो रही है, हमारी क्लास में एसी है लेकिन वो चल नहीं रहा, इससे सब पागल हुए हुए थे। खैर, अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा इधर उधर घूमने, नहीं बोल के गर्मी हो रही है, हम जाके बैठ जाएंगे लाइब्रेरी में, और हम जो है हवा खाने लाइब्रेरी आकर बैठे थे कि यहाँ पे जो है ना एसी चल रहा होगा, थोड़ा सुकून की सांस आएगी और ये होगा और वो होगा, लेकिन पूरा डिपार्टमेंट ही लाइब्रेरी आके बैठ गया और हमारे लिए जगह नहीं है। तो हम निकल गए, अब हम देखते हैं कि हम कहाँ बैठ सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं। खैर, तो फिर हमने डिसाइड किया कि बाहर ही बैठ जाते हैं, लेकिन इतनी शदीद गर्मी हो रही है यहाँ पर कि बस क्या ही बताएं। सी धूप हो रही है इतनी तेज़, पता नहीं बारिश कब होगी, कराची में बारिश कब होगी, कब से वेट कर रहे हैं हम लोग। खैर, अभी क्लास में टाइम है, फिर क्लास स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे हम बैठ गए हैं सबसे आगे, बिल्कुल टीचर के मुँह के सामने, क्योंकि यहीं पर पंखा चल रहा है, बाकी पूरी क्लास में वो देखो पीछे टुनटुनाता हुआ पंखा चल रहा है, बस ऐसे ही पंखे चल रहा है इतनी गर्मी के अंदर, और हम ऐसे ही जो है पढ़ेंगे और टीचर नहीं आ रही हैं इतना। मुझे क्या पता, पीरियड्स हमारे ही वाला एक पीरियड फ्री होगा, हम इसमें बैठ के कर लेंगे। यार किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो हम साथ ही कर सकते हैं, अकेले क्या करेंगे। अगर आप हमें बताती, उसकी पॉलिसी है भाई, क्लास ख़त्म हो गई हो, ये लोग इस गर्मी वाली क्लास से जाने का नाम ही नहीं ले रहे यार, मतलब देखो हमारी कितनी बड़ी क्लास है। पंखे की स्पीड चेक करो, किस स्पीड से पंखा चल रहा है। ये मुझे पता नहीं गुलचा कहाँ लेके जा रही है, इतनी तेज़ धूप और गर्मी हो रही है, इसको सुकून नहीं है, पता नहीं कहाँ घुमाने लेके जा रही है। अरे फिर हम आके बैठ गए लाइब्रेरी में, और यहाँ पर फाइनली अब रश नहीं था तो जो है एसी भी चल रहा था, अब थोड़ा सुकून मिलेगा यहाँ बैठेंगे तो। अरे फिर हमने सोचा कि हम नमाज़ पढ़ लेते, क्योंकि इसके बाद तो टाइम मिलना नहीं है, उसके बाद कंटिन्यूसली क्लासेस हैं। क्लास में आके बैठ गए, और हमारी टीचर इतनी लेट लतीफ़ हैं कि वो आती ही नहीं है, और हम भी क्लास से नहीं बाहर जा सकते, उनका बैठ के हमें वेट ही करना पड़ता है। और ये वही क्लास है जिसमें हमारी सुबह क्लास हुई थी, जिसमें पंखा नहीं चलता और हमें पंखे के नीचे सीट भी नहीं मिली, अब बैठे रहो गर्मी में। है पता है क्या, बारिश स्टार्ट हो गई, हम लोग क्लास में थे और तभी बारिश स्टार्ट हो गई थी, और टीचर ने क्लास नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी हम जो है क्लास के बाद आए हैं, हो रही है अभी भी हल्की हल्की बारिश। जब यूनि में थे तो इतना अच्छा मौसम हो गया था, और फिर मैं क्लास स्टार्ट हो गई, सोचा था अच्छे मौसम में घर जाऊँगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पता नहीं है कौन सा तालाब बना हुआ है, अजीब। खैर, फिर अच्छा ये हुआ कि मुझे पिंक बस मिल गई और मुझे उसमें जो है ना सीट मिल गई है, और अब मैं जो है सुकून से घर जाऊंगी। खैर, यहाँ तो धूप हो रही है पता नहीं क्यों, मतलब बारिश हो रही है, अच्छा मौसम होता है घर जाने में मज़ा आता है, और जो है तुम्हें खैर छोड़ो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरे रोने तो चलते ही रहेंगे, अब जब नया सेमेस्टर शुरू हो गया है तो उसमें क्या ही है। खैर है, और ये देखो दोबारा से मौसम अच्छा हो गया, दोबारा से बारिश का हो गया है, और अब मज़ा आ रहा है ना घर जाने में। खैर चलो, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब मार दो, और जो है दुआ कर लो कि मैं जो है ना उस सब्जेक्ट में भी पास हो जाऊँ जिसमें जो है उन्होंने बोला है कि ना सब दुआ करो कि तुम लोग इस वाले सब्जेक्ट में पास हो जाओ। आमीन, हम सब पास हो जाए।